नमस्ते, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं आरती। वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में हमेशा से अच्छा खासा उत्साह देखने को मिलता है। इन श्रद्धालुओं के लिए एक चिंताजनक खबर है। यहां पर पहाड़ियों में आग लगने के कारण प्रशासन ने कुछ फैसला किया है। कटरा माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा पहाड़ियों से सटी हुई पहाड़ियों में पिछले 3 दिनों से लगी भीषण आग का दायरा बढ़ने से सोमवार को प्रशासन ने हेलीकॉप्टर सेवा रद्द कर दी है। इससे पहले 1 मई को भी शंकराचार्य पहाड़ी के पास आग लगने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बार आग लगने से माता वैष्णो देवी यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन त्रिकुटा पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर दायरे की वन संपदा जलकर राख हो गई है। कटरा में स्थित त्रिकुटा पर्वत के जंगलों में देर रात से लगी आग अब तक शांत नहीं हो पाई है। आग इतनी भीषण है कि चारों ओर धुआं ही धुआं फैल चुका है। वन विभाग और माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। प्रशासन ने आग बुझाने के लिए वायुसेना को भी अलर्ट कर दिया है। घने पर्वतों में तेज हवाओं के चलने के कारण कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आग से फैले धुएं ने तीर्थयात्रियों की मुश्किलों का को सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी कारण सुबह से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी निलंबित हो गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।